नमस्कार दोस्तों, कैजुअली एक्सप्लेन सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों के दांत के बारे में बात करने जा रहे हैं। इन दांतों को दूध के दांत तथा कभी कभी टूटने वाले दांतों के नाम से भी जाना जाता है। ये मनुष्य में विकसित होने वाले दांतों का पहला सेट होता है। भले ही आप इनको बच्चे के जन्म के कुछ महीनों बाद देख पाते हैं, लेकिन इनके विकसित होने की यात्रा तो जन्म के पहले ही शुरू हो जाती है। जब भ्रूण 8 सप्ताह का होता है, तब उसके पास दांतों की 20 कलियां होती हैं। ये कलियां जन्म के 6 महीनों तक अंदर ही अंदर बढ़ती रहती हैं और इनके बाहर निकलने की प्रक्रिया 6 महीने की उम्र से शुरू होती है। इनकी कुल संख्या 20 होती है और ये निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उगने वाले 4 दांतों को मध्यम कृंतक या सेंट्रल इंसाइजर्स कहते हैं। इसके बाद 4 पार्श्व कृंतक या लैटरल इंसाइजर्स उगते हैं, जिनका प्रयोग भोजन को काटने के लिए किया जाता है। दांतों का अगला प्रकार चवर्णक या मोलर दांतों का होता है, जो 13 से 19 महीनों में दिखाई देने लगता है और ये भोजन को चबाने में मददगार होते हैं। इसके बाद कैनाइन दांत निकलते हैं। सबसे आखिरी में दिखाई देने वाले 4 चवर्णक या सेकेंड मोलर होते हैं, जिनका प्रयोग भोजन को चीरने फाड़ने के लिए होता है। ये दूध के दांत सिर्फ भोजन को ग्रहण करने में ही हमारी मदद नहीं करते, बल्कि ये हमारे शरीर की कई क्रियाओं को चलाने में भी मदद करते हैं। ये दांत मुंह के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये जबड़े और हड्डियों को सही रूप से बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बाद में निकलने वाले स्थायी दांतों के निकलने के लिए रास्ता भी बनाते हैं। दूध के दांत बच्चों के उच्चारण और सुंदर मुस्कुराहट के विकास के लिए भी बहुत जरूरी हैं। ये दांत बहुत मजबूत नहीं होते हैं और इनका रिप्लेसमेंट, जिसे एक्सफोलिएशन नाम से जाना जाता है, करीब 6 साल की उम्र से शुरू होता है और यह प्रक्रिया सामान्यतः 12 वर्ष की उम्र तक पूरी हो जाती है। लेकिन दूध के दांत इससे लंबे समय तक और कभी कभी व्यक्ति के वयस्क होने के बाद भी रह जाते हैं। क्या आपके दूध के दांत वयस्क होने के बाद भी हैं? अगर हाँ, तो अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कुछ लोगों के दूध के दांत वयस्क होने पर क्यों रह जाते हैं, जानने के लिए हमारा ये वीडियो जरूर देखें। ऐसे विज्ञान से जुड़े कुछ दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।